जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित सोमनाथ मंदिर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ज्योतिर्लिंग है। दोस्तों, अगर आप सोमनाथ जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमको सोमनाथ कैसे पहुंचना है, सोमनाथ में हम रुके कहां, सोमनाथ में भोजन करने की क्या व्यवस्था है, सोमनाथ हमें कब जाना चाहिए और कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए, सोमनाथ में हम कहां कहां घूमें, और अंत में ये भी जानेंगे कि सोमनाथ यात्रा का कुल खर्चा कितना आ जाएगा। तो दोस्तों, बने रहिए मेरी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को विस्तारपूर्वक समझते हैं, जिससे आपको सोमनाथ जाने के लिए काफ़ी सहूलियत मिल जाए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि हम सोमनाथ कैसे पहुंचे। दोस्तों, सोमनाथ पहुंचने के लिए आपके पास तीन ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो वो है आपका बाय ट्रेन। दोस्तों, अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपका जो नियरेस्ट स्टेशन है वो सोमनाथ ही है, जो कि मंदिर से आधे किलोमीटर की दूरी पे बना है। लेकिन हो सकता है दोस्तों कि आप जिस भी शहर से आ रहे हैं तो आपको सोमनाथ के लिए डायरेक्ट ट्रेन ना मिले, तो आप विरावल रेलवे स्टेशन पहुंचिए। दोस्तों, विरावल से सोमनाथ की जो दूरी है वो 7 किलोमीटर की है, तो आप जिस भी शहर से आ रहे हैं आप विरावल तक अपनी टिकट ले लीजिए और आप विरावल से बाय रोड सोमनाथ पहुंच सकते हैं, जो कि 7 किलोमीटर है। दोस्तों, विरावल से सोमनाथ मंदिर जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो जा सकते हैं आप ऑटो से, जो कि ऑटो वाला आपका 50 रुपए लेगा और आपको सोमनाथ मंदिर तक छोड़ देगा, और दूसरा है वहां पे दोस्तों बस का। दोस्तों, बस यानी कि वहां पे सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से आपको फ्री बस सर्विस चलती है, जो कि हर आधे घंटे में आपको विरावल स्टेशन के बाहर मिल जाएगी और वो आपको सोमनाथ मंदिर छोड़ देगी। चलिए दोस्तों, दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं दोस्तों, वो है आपका बाय रोड। दोस्तों, अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं तो आपको राजकोट अहमदाबाद से ढेर सारी आपको बस मिल जाएंगी। अगर आप बस से आ रहे हैं तो आपको अहमदाबाद से भी आपको ढेर सारी मिल जाएगी। अगर आप द्वारकाधीश का दर्शन करने के बाद सोमनाथ आ रहे हैं तो द्वारका से भी आपको ढेर सारी बसेस मिल जाएंगी, और अगर आप अपनी खुद की कार से आ रहे हैं तो भी आप विरावल होते हुए सोमनाथ पहुंच सकते हैं। तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं दोस्तों, वो है आपका फ्लाइट से। दोस्तों, अगर आपका माध्यम फ्लाइट है तो नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो है आपका किशोद, तो दोस्तों आप किशोद तक अपनी फ्लाइट की टिकट करवा लीजिए, और अगर आपको किशोद तक फ्लाइट नहीं मिलती है तो आप पहुंच सकते हैं दीव एयरपोर्ट। दोस्तों, दीव से जो दूरी है सोमनाथ मंदिर की वो 85 किलोमीटर की है। वही अगर बात करूं आप किशोद से आते हैं तो किशोद से आपका जो दूरी है सोमनाथ मंदिर का वो आपका लगभग 50 किलोमीटर पड़ जाता है। तो दोस्तों, ये तो था कि हम सोमनाथ कैसे पहुंचे। अगली बात करते हैं कि हम सोमनाथ में अब रुके कहां। दोस्तों, सोमनाथ में रुकने के आपके पास तीन ऑप्शन है, एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों आपके पास वहां पे धर्मशाला। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर के आसपास ढेर सारे आपको धर्मशाले देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि धर्मशाला काफी सस्ते वहां मिल जाते हैं, जो कि आपको 100 रुपए से 200-300 रुपए तक आपको एक से एक धर्मशाला देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप चीपेस्ट टूर प्लान करना चाहते हैं तो आप धर्मशाला में रुक सकते हैं, मंदिर परिसर के आसपास आपको ढेर सारे धर्मशाले देखने को मिल जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों वहां पे सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का गेस्ट हाउस। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर की तरफ से वहां पे आपको गेस्ट हाउस मिल जाएंगे, तो आप वहां गेस्ट हाउस में भी रुक सकते हैं। इस गेस्ट हाउस की आपको ऑनलाइन बुकिंग फैसिलिटी मिलती है, तो अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करा लेते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं गेस्ट हाउस की कॉस्ट की बात करूँ 24 घंटे का, तो वो आपका 700 रुपए नॉन एसी का पड़ जाता है और 1100 रुपए आपका एसी रूम का पड़ जाता है। तो दोस्तों, अगर आप मंदिर ट्रस्ट के गेस्ट हाउस में रुकना चाहते हैं तो आप वहां भी रुक सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों आपका प्राइवेट होटल। दोस्तों, मंदिर परिसर के आसपास आपको प्राइवेट होटल भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि 700 रुपए से स्टार्ट होकर आपको 1500 तक के ढेर सारे होटल देखने को मिल जाएंगे। तो इन तीनों में से आप कहीं भी अपना स्टे कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं हम कि अब हमको दर्शन कैसे करना है। दोस्तों, दर्शन करने से पहले हम कुछ बातों का ध्यान रख लेते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि वहां पे मोबाइल, कैमरा, बेल्ट, और अगर आप अपनी पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो वहां पे कार की चाबी, ये सब आपके पास नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें वर्जित है मंदिर के अंदर ले जाना। तो आप वहां पे बना हुआ है लॉकर, तो वहां पे आप लॉकर पे अपने मोबाइल कैमरा रख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो वहां पे आपको टोकन दिया जाएगा, वो टोकन आप संभाल के रखिए और दर्शन करने के बाद आप अपने मोबाइल कैमरे वापस ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका आरती। दोस्तों, अगर आप आरती में सम्मिलित होते हैं भोलेनाथ की, तो अति उत्तम, क्योंकि वहां पे जो आरती होती है वो काफी शानदार होती है, और अगर आप आरती में सम्मिलित होते हैं तो आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं। तो वहां पे आरती में भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। यहां पे आरती की अगर मैं टाइम की बात करूं तो एक होता है आपका सुबह 7 बजे, दूसरा होता है दोपहर के 12 बजे, और एक होता है रात को 7 बजे। तो इन तीनों में से आप जो भी टाइम आपको सुटेबल लगे आप आरती में सम्मिलित हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम अब मंदिर परिसर के अंदर प्रवेश करते हैं। हम लाइन में लगते हैं भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। दोस्तों, वहां पे लाइन में आप लगिए, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए हम गर्भगृह के पास पहुंचते हैं। वहां पे सोने से चादर लिपट हुई आपको गर्भगृह देखने को मिलेगा, और हम भोलेनाथ के दर्शन करते हैं, अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं, और हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए मंदिर परिसर से बाहर आते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा भोलेनाथ का दर्शन हो चुका है। अगली बात करते हैं कि हमको वहां पे खाने पीने की सोमनाथ में क्या व्यवस्था है। दोस्तों, यहां पे खाने पीने की भी आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये कि वहां पे सोमनाथ ट्रस्ट का भोजनालय है, तो वहां पे भोजनालय में जाके आप भरपेट खाना खा सकते हैं, जो कि थाली कॉस्ट होता है वहां पे 70 रुपए का। दोस्तों, वहां पे आप 70 रुपए की थाली कॉस्ट ले लीजिए और भरपेट आप खाना वहां खा सकते हैं। सोमनाथ ट्रस्ट की तरफ से वो भोजनालय चलाया जा रहा है, तो अगर आप वहां भोजन करना चाहते हैं तो आप वहां भोजन कर सकते हैं। यहां पे अगर मैं ट्रस्ट के भोजनालय के टाइम की बात करूं दोस्तों, तो ये आप
आपका दो स्लॉट में चलता है। पहला स्लॉट है आपका सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक, दूसरा टाइम स्लॉट चलता है आपका शाम 7 बजे से लेकर रात को 9:30 बजे तक। तो ये दो टाइम में आपको लंच और डिनर आपको दिया जाता है। दूसरे ऑप्शन की बात करो दोस्तों, वो है आपका सोमनाथ का रेस्टोरेंट या फिर वहां का भोजनालय। दोस्तों वहां पे सोमनाथ में आसपास आपको ढेर सारे आपको रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे। वहां भी उनका जो कॉस्ट होता है दोस्तों 80 रुपए से 100 रुपए तक आपको थाली सिस्टम देखने को मिल जाएगा, तो वहां पे आप जाके भोजन ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों वहां पे एक आपको लीलावती धर्मशाला है जो कि मंदिर ट्रस्ट का ही है, तो लीलावती धर्मशाला में भी एक बहुत बड़ा डाइनिंग हॉल है, तो वहां जाके भी आप अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। यहां पे जो कॉस्ट है दोस्तों वो आपकी 120 रुपए पर थाली आपको दी जाती है, तो अगर आप लीलावती धर्मशाला में जाना चाहते हैं वहां भी जाके आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि आप हमको सोमनाथ मंदिर में और कहां कहां घूमना है और हमारा साधन क्या होगा। सबसे पहले दोस्तों आपको मंदिर परिसर के ठीक पीछे आपका बना हुआ है पुराना सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर। दोस्तों यहां पे अहिल्याबाई द्वारा स्थापित किया गया यह सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग मंदिर है, तो यहां पे भी जाके आप दर्शन कर सकते हैं। मंदिर परिसर के ठीक पीछे ये मंदिर बना हुआ है। दूसरे स्थान की बात करते हैं दोस्तों, वो है आपका त्रिवेणी संगम। दोस्तों नाम से समझ में आ रहा होगा यहाँ पे त्रिवेणी संगम का यानी कि यहाँ पे तीन नदियों का संगम, जहाँ पे हिरण्या, कपिला और सरस्वती इन तीनों का यहाँ पे संगम है, मिलाप होता है, तो यहाँ पे जाके आप स्नान कर सकते हैं त्रिवेणी संगम में। तो इस जगह को भी आप जरूर विजिट करिएगा। दोस्तों त्रिवेणी संगम से ही लगा हुआ है एक सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर भी जाइए, वहां भी कुछ समय बिताइए, यहां का भी नजारा आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा जो कि आपका त्रिवेणी संगम से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। चलिए दोस्तों अगले स्थान की बात करते हैं दोस्तों, वो है आपका गोलोकधाम तीर्थ। दोस्तों गोलोकधाम तीर्थ जो है वहां पे कृष्ण जी के चरण पादुका, वहां पे लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, गीता जी का मंदिर, विश्वनाथ जी का मंदिर, बहुत सारे आपको मंदिर मिलेंगे। एक प्रकार से आपका वो मंदिरों का वहां पे तीर्थ है, तो आप गोलोकधाम जाके इन सारे मंदिरों का आप दर्शन कर सकते हैं जो कि आपको काफी सारे वहां मंदिर देखने को मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों अगले स्थान की बात करते हैं, वो है आपका शारदा मठ। दोस्तों शारदा मठ गोलोकधाम की तरह है, यहां पे भी आपको ढेर सारे आपको मंदिर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कामनाथ स्वामी का मंदिर, नरसिंह महादेव और भी बहुत सारे आपको मंदिर वहां देखने को मिल जाएंगे, तो आप शारदा मठ जाके भी इन सारे जगहों का आप दर्शन कर सकते हैं। शारदा मठ में दोस्तों आपको 12 ज्योतिर्लिंग की भी आपको दर्शन हो जाएगी, तो दोस्तों आप शारदा मठ में भी जाके सारे मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले स्थान की बात करते हैं, वो है आपका भालका तीर्थ। दोस्तों भालका तीर्थ में श्री कृष्ण जी का वहां पे स्टैचू है, वहां पे जारा नाम का जो शिकारी था वो श्री कृष्ण जी के चरण पे तीर मार दिया था, तो श्री कृष्ण की उसी अवस्था में स्टैचू बनाई गई है, तो वहां पे जाके आप श्री कृष्ण जी का दर्शन करिए या वहां पे कुछ समय बिताइए। जय श्री कृष्णा का जाप करते हुए हम मंदिर परिसर से बाहर आते हैं और हम जाएंगे बाणगंगा। दोस्तों भालका तीर्थ से ही लगा हुआ है आपका एक बाणगंगा जो कि समुद्र में शिव जी की प्राकृतिक ज्योतिर्लिंग है, वहां जाके भी आप दर्शन करिए, काफी अच्छा आपको नजारा मिलेगा और आपको दृश्य देखने को मिलेगा कि समुद्र के बीच में वहां पे शिव जी की ज्योतिर्लिंग है, तो आप वहां जाके भी दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों यहां पे जाने से पहले थोड़ी सी आप सावधानी बरतिएगा क्योंकि यहां की जो समुद्र की लहर वो काफी तेज रहती है, तो थोड़ा सा आप हिसाब से जाइएगा, यहां पे आपको रेत नहीं मिलेगा बल्कि यहां पे नीचे पत्थर है, तो थोड़ा सा आप प्रिकॉशंस लेके दर्शन करिएगा शिव जी की ज्योतिर्लिंग का। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको सोमनाथ मंदिर के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं कि ये सारे जगहों को घूमने के लिए हमारा माध्यम क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ये कि आप ऑटो करके ये सारे जगहों को घूम सकते हैं जो कि मंदिर परिसर के 5 किलोमीटर के रेडियस में ये सारे स्थान है, तो आप ऑटो करके इन सारे जगहों को घूम सकते हैं। दोस्तों ऑटो वाला आपका 400 से 500 रुपए लेगा और आपको ये सारी चीजें घुमा के 3 से 4 घंटे में आपको वापस मंदिर परिसर छोड़ देगा। पहला ऑप्शन तो दोस्तों आपका था ऑटो का। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों आपके पास बस का। दोस्तों वहां पे बस वाला आपसे 30 रुपए लेगा और इन सारे जगहों को घुमाकर वो आपको मंदिर परिसर छोड़ देगा। तो अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो आप बस से जा सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो ऑटो भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि हमको सोमनाथ में कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए और सबसे अच्छा समय कौन सा होगा। दोस्तों सोमनाथ को घूमने के लिए एक दिन सफिशियंट है, लेकिन अगर आप 2 दिन एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप 2 दिन भी रुक सकते हैं, बट आप एक दिन में इन सारे जगहों को आप कवर कर लेंगे और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन भी कर लेंगे। और दोस्तों बात करूं कि आपका बेस्ट समय कौन सा रहेगा, तो वो आपका रहेगा विंटर का समय, यानी कि नवंबर से लेकर जो फरवरी वाला जो समय रहता है ये आपका बेस्ट रहता है, आपको वहां पे कम भीड़ देखने को मिलेगी। अदरवाइज आपको सावन के महीने में महाशिवरात्रि के समय पे, दशहरा के समय पे या फिर समर वेकेशन के टाइम पे आपको काफी ज्यादा सोमनाथ में भीड़ देखने को मिलेगी। तो आपका जो अच्छा और जो उचित समय है वो आपका विंटर का समय है। और वही अगर आप शिवरात्रि में आते हैं या फिर सावन में आते हैं तो दोस्तों आपको मंदिर में दर्शन करने के लिए 3 से 4 घंटे लाइन में लग जाएंगे, तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जिस समय भी आना चाहते हैं आप सोमनाथ पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों लास्ट बात करते हैं कि हमको सोमनाथ यात्रा का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। दोस्तों अगर आप एक दिन स्टे बनाते हैं और अगर आप ट्रस्ट के रूम में रुकते हैं और आप ट्रस्ट के प्रसादालय में भोजन करते हैं तो आपका जो एक व्यक्ति का जो खर्चा है दोस्तों वो आपका 1000 रुपए में आराम से हो जाएगा। दोस्तों इस फेयर में मैंने आपके किसी भी तरीके की ट्रेन की टिकट, फ्लाइट की टिकट को ऐड नहीं किया है, यहाँ पे मैं सिर्फ सोमनाथ यात्रा में होने वाले खर्चे को मैंने यहाँ पे बताया है, तो आप 1000 में सोमनाथ यात्रा आराम से कर लेंगे। तो दोस्तों ये था पूरा सोमनाथ मंदिर का एक संपूर्ण यात्रा का वर्णन। दोस्तों इसके बावजूद ही अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रावास आईडी में विजिट करके पूछ सकते हैं, वहां पे आपको रिस्पॉन्स डेफिनेटली मिलेगा। और मेरे चैनल यात्रावास को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आज की वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आपकी यात्रा मंगलमय हो।